हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं फर्नीचर मार्केट और अपने घर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले भी आएंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं फर्नीचर मार्केट। ये मार्केट चंडीगढ़ में है, ये मार्केट टूटने वाली थी, उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ से कुछ फर्नीचर लेकर आ जाएँ। यहाँ पे बहुत ही कम रेट में बहुत सारे अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो इस जगह से आप अपने घर के लिए फर्नीचर ले सकते हैं। अगर ये वाला बेड लेती है तो सोफा का कलर वैसा, तो हमने ये डन किया है, तो ये वाला हमने बेड ले लिया है। अगर हम सोफ़ा देखते हैं अपने घर के लिए सबसे सुंदर सोफ़ा। ठीक है, बैठ के देखना शीशी मानू। तो भाई रवीना को ये सोफ़ा पसंद आया, पर कलर ये वाला नहीं, डिफरेंट कलर पसंद आया है, तो हमने ये पसंद किया है, ये वाला। बस हमारा कलर से अलग रहेगा, जैसा बेड का है वैसा रहेगा। हाँ, बेड के सेम जैसा डिज़ाइन है सेम कलर रहेगा और ये कुछ इतना बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सोफ़े का और बेड का कलर कि कौन सा कलर होगा, क्योंकि हमने डिज़ाइन पसंद कर लिया है, अभी कलर चॉइस करने हैं। तो यहाँ पर रवीना है, वो चॉइस कर रही है अपने फेवरेट कलर। इसको रवीना को पसंद है ये वाला रामा ग्रीन कलर, पर मेरे को पसंद है ये कलर। मैं ऊपर पूछती रही कि कौन सा कलर करवाना है, पर ये थोड़ा गंदा होगा तो दिखेगा मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है, पर ये भी अच्छा है। तो भाई रवीना ने आज 1,00,000 रुपए का बिल बना दिया है। एक दिखा मुंह, दिखा पसीने में भीगते हुए 1,00,000 रुपए खर्चा करते हुए। और यहाँ पर हमने बेड बेड देख लिया भाई, बहुत टाइम लगाया, पूरी मार्केट छान मारी, फिर रवीना को यही दुकान पसंद आई कि ले लेते हैं। अभी एक और काम है, वो है मंदिर लेना, पर वो आज नहीं लेंगे क्योंकि आज रवीना का बजट हो गया है फ्लॉप। तो यहाँ से हम निकल गए थे कीर्तन अटेंड करने के लिए। हमें ना इतना अच्छा लगा, बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा डांस किया भजनों पे ही, देखकर अच्छा लग गया। हमेशा होता रहे, एक टच जो है, एक कनेक्शन बना रहे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं स्पिरिचुअली और इंटरनली कहीं ना कहीं काम जरूर रहे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। अच्छा सिखाया जो कि मैं नहीं सिखा पाई, मुझे था कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी ये चीजें मैं उसको सिखाऊंगी वो नहीं सीख पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि वो मुझे घर आके सिखाती है। उसने मुझे आके बोला, मामा आपको पता है कृष्णा जी की गाय थी? मैंने कहा हाँ। उसका नाम क्या था? वो तो मुझे नहीं पता था, उसका नाम सुरभि था। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था समर कैंप से जिस दिन उसने मुझे आके कुछ नहीं सिखाया हो। वो रोज आके कुछ सिखाती थी, और गेम्स पहले तो वो दूसरी गेम्स बोलती थी, अब बोलती थी मुझे गेम खेलनी है जिसमें कि आप कृष्णा जी के बारे में ही कुछ बोलोगे, मैं भी बोलूंगी और वो भी। मतलब वो कृष्णा जी के बारे में गेम के थ्रू इतना कुछ सीख गई, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मतलब जो भी आ रहा था वो खुद इससे सुन के हैरान हो रहा था। समर कैंप में क्राफ्ट का, ये जो भजनों का, फिर चैंटिंग,
इतना कुछ सीखा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ये समर कैंप में चाहती हूँ कंटिन्यू रहे। और मुझे दीपिका जी ने बताया कि शायद नेक्स्ट मंथ से हर सैटरडे बच्चों के लिए ये क्लास हुआ करेंगी। रियली थैंक यू, और ये मैं चाहती हूँ कि ये हो। और मेरी बेटी शायद कोई अवार्ड लेके खुश ना होती जितना कि वो ये सुन के खुश है कि हर सैटरडे ये क्लास हुआ करेगी और मुझे अटेंड करनी है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ललित भोग लेकर आ गए हैं। ये दाल बनाई थी, आलू की भुजिया और चावल। तो अब हम ना इस दाल को अपने जो दाल उसमें मिक्स कर देंगे। थाली तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। तो भाई देखो, रवीना ने कितनी अच्छी दाल भुजिया और चावल बनाए हैं। सस्ता पुलाव बना रहे हैं, मतलब मटर डाल के बनाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर है सलाद। तो अभी हम थोड़ा घर का सामान लेने आए हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपनी फेवरेट सीरीज। आज रात में हम लोग आए हैं डिनर करने। और कहाँ पर आए हैं? या तो बारबेक्यू नेशन या फिर सुंदरम। अब समझ नहीं आ रहा। सोचते हैं कि जहाँ पे जाना है फिर हम निकले। दोनों ही हमारे फेवरेट है। तो हम आ गए हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमने बोला कि यार यहीं चल लो। खबर अभी ना, और मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं। क्या? मैं तो नॉनवेज नहीं खाता ना, मैं तो शुद्ध शाकाहारी पत्ते खाता हूँ। अच्छा, मेरे ना पत्ते सामने पत्ते। भाई फेवरेट रवीना के क्रिस्पी कॉर्न्स। तुम्हारे भी तो हैं? हाँ, मेरे भी तो अच्छे। पहले हम ना पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाते थे, ये वाला जो इसमें मैरिनेट करके देते हैं, तो अब हम हमेशा खाते हैं। तो यहाँ पर रवीना का मशरूम नीचे गिर गया था, उसने उठा के कोई देख नहीं रहा खा लिया। चलो आगे बंदा। तो अभी आ गए हम लोग घर पे, अब रेस्ट करेंगे थोड़ा। अभी हम वॉक करके आए हैं, तो उसके बाद अब हम सोएंगे। मिलते हैं कल। तो जो मेरी फ्रेंड है जिसके घर हम डिनर करने गए थे, तो उन्होंने मुझे दो गिफ्ट दिए थे हम दोनों के लिए, तो वो कल अनबॉक्सिंग होगा। कल मॉर्निंग में इसी वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इंडिया जीत गई। आज सुबह सुबह हमने देखा था ये रवीना वाला गिफ्ट, इसको खोलना था। रवीना की फ्रेंड ने दिए थे गिफ्ट मेरे लिए और रवीना के लिए। ये छोटा वाला रवीना को दिया था, बड़ा वाला मेरा है। कुछ भी बड़ा वाला मेरा है, कुछ छोटे वाले में कुछ नहीं है लग रहा है। छोटा वाला थोड़ा मुझे बड़ा वाला ही अच्छा लग रहा है, मैं बड़े वाला ही खोलूँगा। छोटा वाला रवीना खोलेगी। चलो अब इसको ओपन करते हैं। ये रवीना का छोटा वाला है। रवीना तो अपना ओपन कर। अच्छा भैया, रवीना का ही सामान निकला इसके अंदर। कैसी वाली है दिखाइयो, दिखाइयो कुछ ऐसी। तुम बताओगे कि कौन सी पहनो इसमें से? कोई सी पहन ले भाई। नहीं, ये वाली पहन ले, ये वाली पहन ले। बता देता हूँ,
तो बताओ इनमें से कौन सी पहनूं? इनमें से सिंपल एंड सोबर यही पहन ले। तेरे वाइट है ना, ये वाइट पहन ले। नहीं मुझे वही ठीक लग रहा है। हाँ पहन ले, वही पहन ले। तो अब मैं अपना गिफ्ट खोलता हूँ, क्योंकि रवीना का तो बहुत छोटा सा था पर मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसलिए मैं अपना गिफ्ट हो सकता है, पर मैं पैसे तो फिर नहीं करता, पैसे तो फिर भी वॉलेट में ही रखूँ मैं। रुक जाओ खोलता हूँ। ये देखो मेरा गिफ्ट आर्ची से। ओ गॉड, मेरा रवीना ने वही बोला और वही सही निकला, ये वॉलेट ही है। और ये है वॉलेट जिसका मैं उपयोग नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ये खो जाता है। हम लोग कैशलेस ही यूज करते हैं ज्यादातर चीजें, क्योंकि मैं एक पेंट से दूसरे पेंट में रखता ही नहीं, एक पेंट में रहा तो उसी में रह जाता है। देखो तो अंदर से देखता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे चिल्लर, यहाँ पर रखेंगे कार्ड्स, यहाँ पर रखेंगे गड्डी, नोटों की गड्डी, यहाँ रखेंगे 2000 की गड्डी। 2000 चल रहा है ना, 2000 की गड्डी पर नीचे से निकल गए तो यहाँ रख। और ये है पेन, शायद ऐसे करके बड़ा हो जाता होगा फिर इससे हम लिख सकते हैं रवी नू। ये था हमारा गिफ्ट, और थैंक यू दीपिका इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए हम दोनों को, थैंक यू सो मच। मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इसमें नोटों की गड्डियां रखूं। बस एक ही बात का गम है, रवीना कह रही है कि इसमें पैसे नहीं दिए। हां मेरा नाम लगा दिया अभी थोड़ी देर पहले, खुद ही बोल रहा था क्योंकि अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, सोच रहा हूँ कब से करूँ, कल से कोई मुहूर्त या उद्घाटन करूंगा।